जाने की सिमत से हवा आई, किस तरह की है ये वबा आई, बांटने में कमी रही होगी वरना अमदाद बेबहा आई। चेक एंड बैलेंस है बहुत जरूरी, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। हुजूर तारिक अजीज साहब की बात सही बात आगे बढ़ाते हैं, देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। सर बिल्कुल ठीक सर, आपके लिए बड़ी दुआएं की जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस भेजे, और इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम लोगों ने प्यार और दुआएं भेजी, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिकवर होके वासे भाई माशाल्लाह वापस आए ने, सब तो ज्यादा खुशी की गल। बिल्कुल, क्योंकि असं भी परेशान से, जिन्हों हो गया अभी अपनी भी रिपोर्टा करवाया पाइं। सानू परेशानी इन्होंने कोरोना की नहीं, साढ़ा भी 9,000 लग गया। इससे ये साबित हुआ कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हजारों लाखों के हिसाब से कॉलें आई होंगी, हमें भी बहुत आई। लोगों ने आपकी सेहत के बारे में पूछा, इससे पता चला कि आप इंतहाई शफीक, समझदार और प्यारे इंसान। हाँ जी, मैं ये जो बीमार हुए ने तो मैंने फोन किया, मैं वैसे भाई कोरोना का सुनाओ, कहते हूँ वड्डा हो गया, हूँ तो काम से भी जाता। मैंने भी फोन किया था। अच्छा। और मैंने पूछना चाहा कि भी इस वक्त अकेले हैं, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, तो मैंने कहा सर ये बताइए कि ये पानी की किल्लत कैसे दूर होगी। तो कहने लगे अभी आशिक जो लोग हैं, अलग अलग जो रो रहे हैं, अगर इकट्ठे रोए तो उनकी आंखों से आंसू जो निकलेंगे उससे पानी की किल्लत दूर होगी। बहुत अच्छा, उत्थे भी बैठे जुगता ही करी जाते। मैं कहते जी तेरी रिपोर्ट का की बनया, मैं नेगेटिव आई, कहते तेरी भी नेगेटिव आ गई। वैसे आपने सही कहा, जिस तरह आप लोगों की कॉल्स थी उसके अलावा बहुत से लोगों ने कॉल्स की और मैसेजेस बहुत किए। जो दो तीन चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली नोट की इस टाइम पे, एक तो एक सबसे बड़ी जो आपकी ज़ाती जंग होती है वो जहनी जंग होती है, जो कि आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं और बीमारी से अलग लड़ रहे होते हैं क्योंकि आप कन्फाइंड हैं एक स्पेस के अंदर। मगर जो सबसे कमाल बात लगती है कि जो लोगों ने मैसेजेस माशाल्लाह पूछने के लिए तो किए ही किए, लेकिन जितने मशवरे दे छोड़े और जितना ये व्हाट्सएप और इसके ऊपर मेरे पास सामान आया है कोरोना के दिनों में, यकीनन मैं एक मेडिकल स्टोर या तिब की दुकान खोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ये चला कि मेरी लिस्ट के अंदर तकरीबन कोई 700-800 डॉक्टर है फोन के अंदर, जिसने मुझे तरह तरह का मशवरा दिया। ऐसे ऐसे भी माशाल्लाह थे चाहने वाले, जब उनको पता चला उन्होंने उसी वक्त फोन कर दिया, चाहे सुबह के 4:30 बजे हुए थे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर फैसलाबाद से, जनाब मियां ताहिर जमील। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने पढ़ी होटल मैनेजमेंट लेकिन अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा बिया शेख। वेलकम टू द शो जी, आज तो दोनों ही माशाल्लाह यंग बेबी सर। एक शेर में लाया हूं जी आप और आपके लिए। थैंक यू। गुजरांवाला हो या फैसलाबाद, गुजरांवाला हो या फैसलाबाद, दोनों जुगतबाज हैं, नून लीगी हैं दोनों, ये एक दूसरे के दम साज हैं। इस जुगत और सियासत की यलगार में कौन अब जीतेगा, क्योंकि दोनों तरफ के अदाकार आपस के हमराज हैं। हमराज हैं। अजकल मंदड़े हाल ने तेरे बंदियां दे, ते मिट्टी रोलदे लाल ने तेरे बंदियां दे, हाल ने तेरे बंदियां दे, मिट्टी रोलदे लाल ने तेरे बंदियां दे, ते बंदा बंदा बंदे नू पिया खांदा है, बंदियां दे विच काल ने तेरे बंदियां दे। जो नहीं डरते थे आज उनको डरना है, डरना है। जो काम नहीं किया आज वो करना है, करना है। मजाक में ही मुझे आई लव यू कह दो भैया, मैंने अपने शरीकों को जेलस करना है।
जी ताहिर साहब क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने देखा अभी आपने अंदर आते ही यूं करके किया सर, तो आपको खान साहब ने किसी काम पे तो लगाया। सर जिस वबा की नज़र आप हुए थे उसी वबा की नज़र मैं भी हो गया था, और अल्लाह का शुक्र है अब रिपोर्टें जो हैं वो नेगेटिव हो गई। बिल्कुल, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो दुआ है कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं अल्लाह ताला इस वबा से उनको बचा के रखे, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे पेशेंट्स हैं जो सीरियस हालत में हैं, जो डायलिसिस पे हैं या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। चोई साहब आप देखें कि हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं। मैं सर जब रिपोर्ट करवाने गया हूँ तो वहाँ पर एक लंबी लाइन, तो सर वहाँ पे जो मैंने आवाम का हाल देखा है सर, अब 9 से 10 हज़ार रुपये का सर टेस्ट है एक, और वो 9-10 हज़ार के लिए आपको सुबह 7 बजे सर जाना पड़ता है स्वैब देने के लिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सर जो गरीब लोग बेचारे वहाँ पे धूप में खड़े हुए थे, लाइनों में लगे हुए थे, और जो मेरी माएँ बहनें बेचारी वहाँ पे बैठी हुई थी लाइनों में, कोई कुर्सियों पे बैठा हुआ था, कोई सड़क पे गाड़ी पे बैठा हुआ था, सब जब किसी को शक होता है इस बात का कि मुझे कोरोना हो गया है, तो वो तो वहीं पे आधा तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बाकी फिर जो हमारा मीडिया है माशाल्लाह, जब वहाँ पर जब पट्टियाँ चलती हैं जी के इतने कोरोना की नज़र हो गए हैं, तो वो ज्यादा परेशानी जो है वो बंदा डिप्रेशन में जाता है। सही बात। तो ये कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है लगता है ईदी व्हाट्सएप पे मिलनी पड़नी है। तो वैसे ही खैर हम मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, हम तो कौन लगी व्हाट्सएप पे गई है कि ईद भी व्हाट्सएप। मगर जो आपने बात की, जो फिगर्स आपको बताए जाते हैं हमेशा की इतनी अमवात हो गई, और उसके बाद जैसे ही ये मैंने कहीं और भी जिक्र किया था कि कोरोना की जैसे ही वो आती है एनिमेशन, तो हर चैनल के ऊपर एक बहुत ही जंगी म्यूज़िक पीछे लग जाता है जी, बिल्कुल, कि अल्लाह जाने क्या आ रहा है। जो लोग उस मर्ज़ में मुब्तला हैं और जो बंद हुए हैं अपने घरों में या इलाज से गुजर रहे हैं, उनके लिए जहनी तौर पे होती है एक तो लड़ाई, तो मैं एग्री करूंगा आपसे। और दूसरी बात पे भी मैं आपसे एग्री करूंगा कि आपने कहा कि जिस तरह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई अस्पतालों के बाहर, क्लिनिक्स के बाहर, लेबॉरटरीज़ के बाहर, के 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, और आवाम जो है हमारी वो अस्पतालों में दाखिल होने के लिए भी बिल्कुल हिचकिचा रही है, हिचकिचा रही है, और जो जा रहे हैं उनको भी जगह नहीं मिल रही। तो मियां साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर लाइंस लगी हुई हैं और मरीज़ हर जगह पे हैं, तो अब ख्याल आया कि अंडरपास और पुल के नीचे नहीं हो सकता ये काम, इसके लिए हॉस्पिटल ही बनाने चाहिए थे। तार भाई सोच रहे ठीक हो गए, सही नहीं हो नहीं, मगर मियां साहब क्यों ना बने अस्पताल इतने। यहाँ तक हॉस्पिटलों की बात है सर, पंजाब के अंदर 40 नए हॉस्पिटल, उनकी आप लिस्ट कहें, मेरे मोबाइल में लिस्ट भी मौजूद है, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, 40 नए हॉस्पिटल। और अगर मैं अपने फैसलाबाद की बात करूँ, फैसलाबाद में सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल 500 बेड का बना है सर। उसके अलावा फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल में सर हमने 290 बेड नए लगाए, FIC की सर एक्सटेंशन की गई उसमें हमने 190 बेड लगाए। उसके अलावा सर DHQ हॉस्पिटल में सर 80 करोड़ रुपए की लागत से काम किया गया, वहाँ पे वार्डें नई बनाई गई, ऑपरेशन थिएटर नए बनाए गए। तो काम तो सर होता रहता है, लेकिन असल चीज़ ये है पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम था वो एकदम बैठ गया जी, क्योंकि पेशेंट्स की जो तादाद थी। अब हमारे पाकिस्तान का तो अलमिया ये है कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट से सिर्फ ये मैनेज नहीं हो सका के वो लोगों के टेस्ट ही प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। जहां पे आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम बैठ गया, तो वो हम भी उसी दुनिया में है ना, तो इनका भी बैठना था। ये सिर्फ आपकी नहीं, ये जितनी भी हुकूमतें गुजरी पीछे, सबका एक फोकस हमेशा प्राइमरीली हेल्थ हमारा पीछे रहता है, हमारे फोकसेस और डिपार्टमेंट्स और चीजों पर ज्यादा रहे हैं, ये गिवन है। सिर्फ चाहे आप लोग नहीं और भी लोग इसमें शामिल हैं, हमेशा हमारा प्राइमरी फोकस रहा और चीजों के ऊपर है, जिसकी वजह से, और ऊपर से जाहिर बात है किसी ने ये सोचा नहीं हुआ था कि ऐसी बीमारी कभी दुनिया में आ जाएगी। जो असल बात सर करने वाली है वो ये है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं ये बात कर रहा सर, मैं क्योंकि सिस्टम का हिस्सा हूँ, CMIT का मेंबर हूँ, वहाँ पे चीज़ों को बैठ के हम देखते हैं, और हेल्थ कमेटी का भी मेंबर हूँ, वहाँ पर भी हम जाहिर है फाइलें आगे पीछे जब होती हैं तो उसमें भी सारा कुछ होता है। तो असल में सर बात यह है कि हमारे पास ये सिस्टम ही मौजूद नहीं है कि हम हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। चलें ये तो आपकी बात हो गई भैया, आपने देखा कि जिनको कोरोना हो चुका है उनकी बातें कैसी होती हैं, आप बताएं आपकी बातें कैसी हैं।
I am safe अभी तक। माशाल्लाह, तो हमें इसलिए बताएं ना, हम तो आपके सामने दोनों उस वक्त से किस टॉपिक पे लगे हुए हैं, आपको नहीं पता, मुख्तलिफ बात बताएं। जब भी मैं सुनती हूँ कोरोना के बारे में तो मैं फटाफट सारे सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ और मुझे लगता है कि सारे सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, बिकॉज वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू टॉर्चर है कोरोना का सुन सुन के, कि आपको हर टाइम डर ही लगा रहता है। इवन मैं पिछले आई थिंक 2-3 महीने से घर से बाहर निकलना भी अवॉइड कर रही हूँ इस वजह से। और पहले तो उसी अखबार सुटन जाने से वैसे तो बंदा बाहर निकलता है, हमारे तो मसले अजीब किस्म के हैं। अच्छा बताएं, स्पेशली हॉस्पिटल्स का आजकल तो वाकई ही हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा डराया जा रहा है कि वहाँ पे आपको जाएंगे आप वहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा आपको कोरोना का, और हॉस्पिटल्स आर नॉट सेफ, तो उसके डर से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आप पूरी प्रिकॉशन अगर लें तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप ये ज़्यादा सोशल मीडिया को ना सुने, इस पर बहुत सी क्यास आ रही हैं और मफरूजों के ऊपर बात हो रही होती है। चोई साहब नूं तां अज भी लगता होना कमरे च ही बंद, उत्थे भी करोना दीआं गल्लां, इत्थे भी करोना। नहीं नहीं, मगर नहीं, आप इस चीज़ को बिल्कुल सोशल मीडिया को बड़ा अवॉइड करें। नहीं, मैं नोटिफिकेशन हाइड कर देती हूँ, जितने भी इससे रिगार्डिंग पेजेस हैं वो मैं नहीं पढ़ती, बिकॉज अब हम सबको चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें और प्रिकॉशंस यूज करें, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्ना करोना तो डर है, दुकान पर जाके कहते कि वो शहद वाला सैनिटाइजर मिल जाएगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो भाई, वो अपना बता रही हैं तुम। मैनू सब तो मजा पता की आ रहा, ताड़ी गल्लां दा भी नहीं ना आ रहा ना भैया दी, ज्यादा उधर आ जिहड़ा शरीफ होए ने ना कोरोना तो बाद यार ये देखो मजा आ रहा फिर तार भाई। सर मैं तो ये समझता हूँ कि कोरोना जो 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा है, उस कोरोने से जान छुड़ाने की जान छुड़ा देगा, असल कोरोना जो है उससे जान छुड़ाने की फिक्र आपको भी वो 2 साल पुराने वाले की है, है ना? वो तो नहीं, तो ही टेस्ट कराने गए, हुन चले गए, ये ज्यादा जालिम है या वो ज्यादा जालिम। तो आप बात सुने ना, अगर आपको इस वाले के तो माशाल्लाह आप निकल आए हैं, तो उस वाले कोरोना के लिए भी तो आप टेस्ट कराए ना जाके, वो जेल में होंगे ना। उस वाले कोरोना के सर टेस्ट हो गए हैं। अच्छा। और उस वाले कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो देखें रोज स्टेटमेंटें बदलते हैं और रोज आवाम से झूठ बोलते हैं और झूठे दावे करके लोगों के साथ वोट लेके। आपस की बात है, मेरे सब पेशेंट तो नून लीग वाले बनते हैं। टेस्ट करने वाले तो वो लोग आपको कहना चाहिए था कि अभी टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे हमारे, हम टेस्ट करवा के बैठे हुए हैं सारे के सारे। सर वो देखें बीमारी है तो बीमारी पे इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, तो इसी तरह किसी को भी ये हो सकता है, तो बीमारी पे किसी किस्म की आपने स्टार्ट किया कि 2 साल पहले जो कोरोना मैं तो इकोनॉमी के कोरोने की बात कर रहा हूँ। सर फिर आप खुद कह रहे हैं कोरोना, देखे आप बताइए क्या बात कर रहे हैं आप, किसकी गलती आप बताए। 2 साल पहले कौन सा कोरोना था? ये था एक बंदे को था, वो बंदा साल का बाद गया था, वो बताएगा। वो 2 साल वो सियासत की बात कर रहे हैं। आप उसे वोट डालती हैं? आपने लास्ट टाइम डाला था? जी डाला था। जिनको डाला था वो जीत गए? एक जीत गया और एक हार गया। तो वो जो जीत गया उनकी कारकर्दगी से आप खुश हैं? अगर अगर इन्होंने एक वोट इनका हार गया है तो फिर लाजमी बात है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। सियासत का खुशगवार नहीं, अभी इकॉनमी है मस्नूई तनफ्फुस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है, इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जान सार नहीं, पक्की गल आ। वैसे मैनू तुहाडियां हरकतां तो लग रहा कि तुसीं डिग्री इमरान खान को नहीं लई हुई है जड़ा हर वेले। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। भैया ये बताएं, आपने आज कलर कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, उनका भी यही ग्रीन, आप भी हैं ग्रीन, वही कुछ आपने भी टर्कोइस ग्रीनिश सा पहना हुआ है। ऐसा तो हो ही जाता है ना, क्योंकि एक दिलों को दिले कराते हैं। मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनको पसंद भी करता हूँ, और बड़े दिल की ख्वाहिश थी कि ये आएँ आज मुज़ाकरात में आई हैं, तो आ गई हैं, अब क्या करें। मैं यही पूछना चाह रहा था, वो भी सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ, आपको ये इल्म कैसे है? मैं इनको फॉलो करता हूँ ना, फॉलो करते हैं, बट वहाँ पे तो मैंने अपना कोई भी स्टेटस नहीं डाला हुआ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। दरअसल नहीं, वो मैं आपको जब घर से निकलती थी आप तो पीछे एक मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग लड़का करता था ना, मैं ही वो अब मैं कहता हो वो मैं ही था। एक बार तो गुजर रही थी, मैंने ऊपर से पानी वाला छापा
यकीन कर ले, मैं इतना आपको पसंद करता हूँ तो क्या इनकी बात में सदाकत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। यार तुम एक बार जुत्ती लैन गए, मैं एक बार छोटा देता एक बड़ा देता, यार मोहब्बत च पता ही नहीं लगा, बस ऐसा होता है। बिल्कुल भी याद नहीं है। मरीजा के नाल बैठे जो तुम की पता लगता, या मेरी मोहब्बत की बातें नहीं याद आपको? देखे ना वो सारी बातें भूल के जो मैं तुहाडे बुन सिगरेट मुफ्त लिया के देना उन्होंने। बस कर दो, मैनू लगता तुहाडी गल बनदी नजर नहीं आ रही। इहदा मकसद मेरे लिए भी नए वाले ही ने। लेकिन अब क्या जेन में सोचा, क्या जिंदगी में होता ही ना कोई आइडियल मेरे जैसा कोई नहीं, आप जैसा नहीं। आइडियल है वो डाल देता नहीं। कैसा सोचा वैसे? आप उनको आइडियल का बताएं ताकि उनका दिल मजीद खराब हो। मुझे बताओ पान की कर देने वो साथ वाला आइडियल होगा फिर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाले शेप जो है आप लोगों की आइडियल होती है। नहीं आप बताएं ताकि उनका मजीद दिल खराब हो। सीरियस होना चाहिए लाइफ में, सेटल्ड होना चाहिए लाइफ में, सीरियस होना चाहिए। नहीं ये नहीं कि मुझे सिगरेट्स के बारे में बताएं कि पापा को ला के दे रहा था मैं, पानी वाला शॉपर, ये आइडियल नहीं है मेरा। मैं आपके आपको मैं यादगार का मालिक हूँ, मैं ये कह दूँ बस आपकी और मेरी नहीं बन सकती बस। नहीं वो तो फाइनल हो चुका है कि नहीं, मगर वो वैसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या, एक सीरियस होना चाहिए इंसान और उसके अलावा? सीरियस होना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए। सेटल्ड किधर होना चाहिए? लाइफ में सेटल्ड होना चाहिए। अच्छा लाइफ में सेटल्ड होना चाहिए, लाइफ में सेटल्ड और एजुकेटेड होना चाहिए। आई एम वेल एजुकेटेड, आज ही 10 लफ्ज़ सीखे इंग्लिश के। एजुकेटेड कितना होना चाहिए? कितना नहीं, बस इतना उठना बैठना, ढेर सारा पढ़ा हो? नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग जो पढ़े होते हैं मुझे लगता है वो भी थोड़े साइको हो जाते हैं। इतना नहीं पढ़ा होना चाहिए बट एजुकेटेड होना चाहिए, लोगों में उठने बैठने की तमीज हो और इज्जत करनी आनी चाहिए लोगों की, सबकी। चले बेचारे को माफ कर दें, अब तो उसकी शक्ल देख के ही आपको तरस आना चाहिए, अब उसकी बात मान लें। क्या बात है, मेरी शक्ल आपको शेर अली साहब ने मिल दी, मेरा याद है। यानी मैं शक्ल देख के तर्स खाना शुरू कर दूं? हाँ नहीं नहीं वो तो देखें, ये वाले काम भी वो कर सकते हैं, ज्यादा शक्लें होंगी फिर किस किस पे तर्स। वो तो जनरली बता रही हैं अपनी के इस किस्म की खसूसियात होनी चाहिए। वो फैसलाबादी है और फैसलाबाद में माशाल्लाह अच्छा सेटल है, तो इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे रिश्ता नहीं मंजूर। नहीं रिश्ता तो हम करवा भी नहीं। आपने होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो कभी ऐसा होता है कि जब आप होटल में जाती हैं किसी में रह रही होती हैं तो आप वहाँ पे चीजें नोट कर रही होती हैं कि? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बिल्कुल इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया, बिकॉज एक टाइम पे मुझे लगता है कि आप एक चीज पे ही फोकस रह सकते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि नोटिस करो बस जाओ और बस वापस। नहीं मगर फिर भी एक आपने एक स्टडीज़ की हुई है प्रॉपरली, एक तो इंसान के जहन में कुछ तो होता है कि अच्छा ये स्टैंडर्ड सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं रखी हुई है, सही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं, आई नेवर नोटिस्ड। तो आपने क्यों की थी डिग्री? कुछ भी नहीं, प्रेशर था फैमिली का कि कुछ करो, और तो मुझे लगता मैनेजमेंट ही क्यों, बिकॉज मेरी कुछ फ्रेंड्स थे वो लोग भी यही कर रही थी सब, तो मैंने कहा चलो ग्रुपिंग में स्टडीज बिजी हो जाती हैं तो इस वजह से फिर। तो अगर वो कुछ और कर रही होती तो आप भी कुछ और कर लेते? हाँ फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ और कर लेते। ये वैसे एक बड़ी जबरदस्त अप्रोच नहीं है सर के दोस्त वो कर रहे थे मैंने। असल में बात ये है कि ये हमारे जो नौजवान हैं खसूसी तौर पे लड़के और लड़कियां जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं उनको पता नहीं होता डिग्री लेके मैं आगे क्या करूँगा, तो यही हाल मुझे इनका भी नजर आ रहा है। करियर काउंसलिंग का भी एक बड़ा सिलसिला है जो कि यहाँ पे नहीं होता क्या, और वो भी करियर काउंसलिंग कोई बड़ा प्रोग्राम या डिग्री ज्वाइन करने से पहले होनी चाहिए? नहीं, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, तकरीबन आप जितने भी लोग देख लें आजकल, कुछ ने मैस्कॉम किया है, कुछ ने बीबीए किया है, लेकिन वो कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ फैमिली बिजनेस में है, मतलब उनकी जो डिग्रीज है उनसे रिगार्डिंग उनकी जॉब नहीं है। एक जो चीज़ मेरे इंटरेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि इसे कहते हैं ना पेयर प्रेशर, जो एक होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके घर वाले कि अब ये करना है, वो बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है कि वो री इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई इस तरह की चीज़ कर रहा हो कि नहीं यही करना है, मतलब अगर फंस गया जहन के अंदर कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनाना है उसको, चाहे वो बेचारा खुद कर सके ना कर सके। साहब बच्चे जो है ना, बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, बच्चे जब आपस में दोस्तों में बैठते हैं वो वहीं पे फैसला करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है। मैंने आपके साथ बैठी हुई है, उन्होंने सब दोस्तों ने होटल मैनेजमेंट की, वो भी अंदर चली गई कि मैंने भी होटल, लेकिन मैंने भी सीएसएस किया है। सीएसएस का मतलब क्या होता है?
How are you? You know, I am very disheartened today. You always are. Please, you know, I did a lot of business. Jee. But mainu koi raas nahi aaya. Har wari phanti payi. Achha. You know, main kya bhi aajkal te corona da daur bajau raha hai. Haan. Te online sare business chal rahe ne. Bilkul. So, main kise kolo plants da kaam liya. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸੰਬਾਡੀ ਕਾਲ ਮੀ ਹੀ ਸੇਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਖ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਓਕੇ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਵਨ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ 1500 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1800 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਕਦ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਾਂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੋਰ ਪਰੋਰ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਗਮਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 17,000 ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਐਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ 70,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਬੀਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ PTI ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੈਂ ਥਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੈਂ ਹੂੰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੂੰਗਾ ਆਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਜਮਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਜਮਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜੇ ਆਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦਲਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਾਸਤਾ ਬਲੌਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਮੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੱਟੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਲਕ ਦਿਨ ਜਾ ਜਲਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੱਕ
निर्गोली ना हो गया, पानी वाली मोटर हो गई, 24 घंटे चलनी है ते अद्धी टैंकी भरनी। लॉकडाउन ते मेरे बाद मेरी मत बज गई मां, क्यों भाई? पहले हुंदी सी 18-18 घंटे ड्यूटी, हुण 24 घंटे ड्यूटी। अच्छा भाई घर जाओ, नींबू लाया, सब्जी लाया, दाला लाया। कल मैं आधा पाव नींबू लै के गया, सारे खट्टे निकलन। ओए होए, ओ तुहाडी बरजाई बेइज्जती कीती है, कहंदी ये ते सारे खट्टे ने। मैं कहा पहले तो सुनया सी अंगूर खट्टे होते हैं, हुण ते नींबू भी खट्टे निकलदे ने। घरों निकलिया, थाने आ गया, भाई स्टाफ है, पुलिस है, वो भी इंसान ने, 24-24 घंटे ड्यूटी। थाने बढ़िया तो सारा स्टाफ सुता होया। ओहो, हवालात जिक वारदात ये सी, वो जागदा सी डकैत। ओ मैं कह तू नहीं सौंदा, कहंदे ने जे मैं सौं गया तो थाने दा ख्याल कौन रखेगा? ओ मैं ओदा अदब करना। हाँ, एक तो उम्र तो मेरे तो बड़ा है। अच्छा। तू अब बदतमीज बड़ा। अच्छा। ओ दना जरा जी बदतमीज करो ना, मोबाइल खो लेंदा। ओ दना जदा मोबाइल डाटा मुक जावे। हां। ये तक ते ओ मैं ना लबै गया कि परेशानी दे आलम विच। बस एक फोन आया मेरे पिंडों पटवारी दा। अच्छा। ओए उन्ने सारी थकावट ला दित्ती है। क्यों? कहंदा जी तुहाडी जदाद निकल आई है। हां। मैं क्या वो कितनी निकल आई है? कहने ने जी रावी दा पुल टूटे है। हाँ। पानी बड़ा तेज सी। हाँ। ओ तो जदी जदाद सी रुड़ गई है। हाँ। तनु तुहाडी निकल आई। मैं हैरान हो गया, मैं क्या कितनी निकल आई है? मैं फौरन टेलीफोन चुके है। हाँ। ते मारे है एहतसाब अकबर साहब। एहतसाब अकबर? ओ अपना नहीं है, एहतसाब अकबर साहब जो शहजाद अकबर। शहजाद अकबर साहब। हां। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਦਾਦ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਬਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 2 ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਫਾਕਤਦਾਰੀ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਪਣਾ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਬ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਜਿਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੈਬ ਦਾ ਖੇਸ ਪਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟਿੰਗ 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 ਟਿੰਗ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਤਿਆਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਜਾਏ। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप कैसर पिया, मियां ताहिर जमील साहब और मैं। आपको दे दूंगी क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो किससे करें 2020 का आगाज? आप लेडीज हैं, यू विल डिसाइड। सर लेडीज फर्स्ट? नहीं सर, वो डिसाइड करेंगी, हमने पावर ही उनको दे दिया। लेडीज फर्स्ट, उन्होंने साडा फैसलाबाद का मुंडा रिजेक्ट कर दिया तो फिर तुसी उन्होंने किस तरह इख्तियार? हम उस पर अभी भी पावर उनके पास है। भैया आप बताएं। आई वांट टू गो फर्स्ट। यू वांट टू गो फर्स्ट, ठीक है जी। भैया ने कहा मैं पहले खेलूंगी। भैया कहीं पे आपको लगे जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ये आपकी अपनी राइट है, मगर मेरा काम था आपको बताना, ठीक है जी। आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं, फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह कौन है इनका मुझे नहीं पता, मौलाना इनका मुझे पता है, लेकिन मैं फोन कायम अली शाह को ही करूंगी क्योंकि उनको मैं मुझे उनका नहीं पता तो शायद मुझे उनका पता चल। कायम अली शाह की गल बन गई जे ताड़ी नीचे बनी। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद थे, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अली जफर और अदनान सदीकी। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी? अदनान सदीकी। किन को स्माइल देंगी? हुमायूं सईद। और किन को कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है? अली जफर। ओए होए होए, ये बताएं फिर, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जा सकती हैं। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। दोनों टफ कॉम्पिटिटर। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब जाएंगे टाइटैनिक। वो तो बीमार हो गए। मेरा उससे क्या देना देना? अपना लीडर जो आगे करे, उनका कॉल है, उन्होंने लिया। कहंदे ओ ते बीमार हो गए 15 दिन, ये गल तुसी कर देना, मैं तां देखदा। ठीक है, ये बताइए फिर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसकी तस्वीर देखना चाहेंगी वहाँ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मुबशर लुकमान। आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तस्वीर, वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब फैन आपके हर जगह मौजूद। आज सुबह पता नहीं कैसी तस्वीर देख के आए, जरा मुझे ये बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हो गया, मुझे लगता है कि अभी कोई अपनी पार्टी को बहुत सीरियस ले लिया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अभी 3 साल कोई चक्कर नहीं, मेरे घर की बिजली ना काट दे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये बताइए कि डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी और की जान बचा सकती हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, मियां ताहिर जमील साहब और मैं। तो किसको देना चाहेंगे आप? मैं खुद पहन के सेव। आपके पास ऑलरेडी है? अच्छा, मेरे पास है एक जैकेट है, वो किसी को दे देनी है। चलो उठो, तिन्ने ही चलिए, मेरा क्या बताने दो मेरी तरफ। और अगर आप किसी को नहीं भी देना चाहती तो वही बता दीजिए। दिल तो नहीं दिया, जैकेट तो दे दो। नहीं, आपको दे दूंगी क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया है। ये सब पैसे वापस जा रहे हैं, असं चले जी हूँ, साडा काम तो मैं जो चीज़ा लिया के दिता रहा हूँ की करना। आपने मुझे पहले कहा कि आपने मेरे सर पे पानी वाला बैलून। ठीक है जी, आप भी फैसला बाद वापस जा सकते हैं, मियाँ साहब की गाड़ी में जगह होगी। जी मियाँ साहब आपकी बारी, बता दें सर, फिर चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हुए हैं, दो सीटें हैं उसके अंदर, एक आपके अपनी साथ, दूसरी सीट पर किसी और को लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेकर जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आबिद शेर अली और जनाब परवेज रशीद। वापस आने की गारंटी नहीं है? नहीं है। परवेज रशीद ही ठीक है। परवेज रशीद साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं ये? वापस आने की गारंटी नहीं है। नहीं, ठीक है, समझ आ गई। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे, मियां साहब की नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसकी देखना चाहेंगी तस्वीर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद अकबर और फयाजुल हसन चौहान। इन दोनों में से चॉइस करनी? बिल्कुल।
काम तो बड़ा औखा, लेकिन हम चलो शहजाद अकबर नु बर्दाश्त कर लेंगे। शहजाद अकबर की तस्वीर देखना चाहते हैं वो, ठीक है सर। ये बता दीजिए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल अपना फोन आप चुप करके बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और जनाब एहसन इकबाल। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? ख्वाजा साद रफीक। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? एहसन इकबाल। और किन का है तो चुप करके साइड पे रख देंगे बंद करके। अब तीसरी ऑप्शन जो है वो वही है ख्वाजा साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब। ठीक है, ये बताइए सर टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महवेश हयात, माहिरा खान और फिरदौस आशिक अवान। बड़ा पेड़ा फसे मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक अवान साहब लेके जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन अच्छे नहीं है जी। तो दोस्त आप आपको साथ लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा देंगे किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं राणा सनाउल्ला और जनाब उस्मान बुजदार और बिया शेख। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। आप नाउम्मीदी ना दिखाएं, आप उनकी वोटर हैं, वो ऐसे नहीं आपको छोड़ेंगे, और आप अकलौती खातून हैं इस चॉइस के अंदर। जी जी सलूक तो साढ़े नाल चंगा नहीं होया। हाँ। लेकिन बिया शेख को ही दे देंगे। बहुत वो कहा था, कैसा महसूस करेंगी आप? बस इलेक्शंस होने दे। ओए देखें वो इस जवाब से वो आपका वोट ले गए हैं, मगर आप ये देखें राणा सनावला साहब तानू डबोत है। मगर ठीक है मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और अपना ख्याल रखिएगा।